मेरठ के विश्वविद्यालय में बाहरी युवकों द्वारा परिसर में फायरिंग कर दी गई, जिसमें दो छात्र घायल हो गए। बताया जाता है कि विश्वविद्यालय के बाहर परिवहन मंत्री बने अशोक कटारिया का स्वागत किया जा रहा था। जैसे ही अशोक कटारिया का काफिला आगे निकला, उसके बाद विश्वविद्यालय गेट के पास दो पक्षों में झड़प होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और मारपीट होने लगी। इस फायरिंग में वहां खड़े दो छात्र गोली लगने से घायल हो गए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सितारगंज राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा प्राचार्य को खेल मैदान और अंकित तालिका दर्शाए न जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी अंक तालिका को लेकर ऊपर विभाग से बात करूंगा और खेल मैदान को बहुत जल्द ही साफ सफाई कराकर इसका बजट बनाकर ऊपर विभाग को भेजूंगा। ऑनलाइन वेबसाइट पर, कुमाऊं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर वो अंक तालिकाएं प्रदर्शित हो रही हैं। बच्चे अपना डाटा दे रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उस संबंध में रिजल्ट दिखना चाहिए ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना डाटा तो फीड कर रहे हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह, लेकिन उनके मार्क्स तो नहीं हो रहे हैं ना वेबसाइट पर। तो कई टेक्निकल फॉल्ट है उसके अंदर, तो बात करेंगे यूनिवर्सिटी से। वो ये भेज रहे हैं, इनका ज्ञापन बच्चों ने दिया है, उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं कुल सचिव महोदय को, क्या। बात करते हैं ग्वालियर की, जहां प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख एवं शिक्षा केंद्र के रूप में प्रत्येक विकास खंड से एक आंगनवाड़ी केंद्र को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों को विशेष रूप से बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 313 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र का मामला संज्ञान में लगातार बना हुआ है और इसमें मृत SDM के नाम से ही ये जारी किया गया है। के नाम से इसमें CV प्रसाद जी जो वर्तमान में SDM है ग्वालियर, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा पुराने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन ये जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आपने देखा है कि रजिस्ट्री फाउंडेशन कानपुर की प्रतिभाओं को निरंतर आगे नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है और इसी श्रृंखला में डांस कानपुर डांस प्रतियोगिता का आयोजित कर रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तिथि 28 अगस्त 2019 से प्रारंभ हो जाएगी और इस फॉर्म की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2019 तक के लिए मान्य होगी। सोलो डांस प्रतिभागियों को जूनियर व सीनियर दो ग्रुपों में बांटा गया है। 2 अक्टूबर से पूरे देश में प्लास्टिक से मुक्ति के खिलाफ चलने वाले जन आंदोलन के शुरू होने से पहले ही मुरादाबाद में कुम्हारों के अच्छे दिन आने लगे हैं। कुम्हारों को अभी से कुल्हड़ बनाने के बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं। कुम्हार भी मिले ऑर्डरों को तैयार करने में दिन रात जुट गए हैं। वहीं कुम्हार कहते हैं कि हमारी पूछ सिर्फ दिवाली तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा प्लास्टिक से मुक्ति के खिलाफ शुरू होने वाले आंदोलन से उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अब उनका चाक खूब चलता है और वह एक दिन में 2,000 मिट्टी के कुल्हड़ बनाकर सप्लाई कर रहे हैं।